नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। पत्रकारों के ऊपर सरकार की तरफ से हो रहे हमले, पत्रकारों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने और सरकार की कार्यशैली को जनता और समाज के सामने लाने से पत्रकारों को परेशान कर उनको बिना वजह प्रताड़ित करने जैसी समस्याओं को लेकर जिले के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सादिक अहमद की अगुवाई में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकारों की स्वतंत्रता के हनन को लेकर उस पर विचार करने का अनुरोध किया। इस मौके पर सादिक अहमद ने केंद्र सरकार की तरफ से पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर सवाल खड़ा किया है। लोग जिस तरीके से देख रहे होंगे, पिछले दिनों अभी दो दिन पहले दिल्ली में न्यूज वेबसाइट और न्यूज क्लिक के जो संपादक हैं पबीर जी और तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो डिजिटल मीडिया के साथी हैं उनके साथ जिस तरीके से उनके ऑफिस में घुसकर दिल्ली स्पेशल सेल की फोर्स ने उनके मोबाइल कंप्यूटर को जब्त कर लिया, उनके प्रधान संपादक को अरेस्ट कर लिया, उनके क्या नाम है संपादक को अरेस्ट कर लिया, तो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया जो हमारा प्रेस मीडिया हुआ करता था वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, लेकिन आज मीडिया की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम सब जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए थे कि इसको तत्काल इस पर हस्ताक्षेप कर इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए और मीडिया पे इस तरह के हमले को बंद किया जाए। आगे की रणनीति हमारे शीर्ष नेतृत्व जो आगे डिसाइड करेगी, हम लोग रोड पर निकलकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज के डेट में मीडिया ही एक ऐसी, कुछ मीडिया साथी हमारे ऐसी सक्षम है जो आज देश की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उसी के नतीजन उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी के छापे मरवाए जा रहे हैं, जिसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही है, पूरे भारत में कर रही है। लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, कृष्णा की नगरी मथुरा में आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव के चलते लोधी समाज अपने उत्थान और राजनीतिक कूटनीति विचारों को लेकर अखिल भारतीय लोधी महासभा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला और युवा मोर्चा अधिवेशन में के साथ राजनीतिक चिंतन शिविर का दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि अधिवेशन चिंतन शिविर में देश के कोने कोने से कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारियों पहुंचे और जहां इस दौरान उन्होंने राजनीतिक समाज के उत्थान पर विचार व्यक्त किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने समाज के उत्थान को लेकर मंच से उद्बोधन दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कब तक क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को और राहुल गांधी की विदेशी धरती पर जो गाली देने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पाप नहीं करती है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह का कृत्य राहुल गांधी का पार्टियों का रहता है, देश की जनता उनको समय आने पर सबक सिखाने का काम करती है। देखिए, जाति जनगणना की बात करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन उन जातियों का संरक्षण करने वाला है, कौन सुविधाएं देने वाला है। आज ओबीसी की बात करते हैं, आज आदिवासियों की बात करते हैं, आज एससी की बात करते हैं, इसके सम्मान किसने दिया? ये सम्मान दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर देश के राष्ट्रपति में जो है एससी बनाने का काम किया रामनाथ कोविंद जी को, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। आज आदिवासी राष्ट्रपति है तो कितना सम्मान दिया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिया। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ओबीसी के एससी और आदिवासियों के हितैषी रहे हैं और आज मैं कह सकता हूँ गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, महिला आरक्षण सब जानते हैं कि लंबे समय से अटका हुआ था, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों सदनों ने भारी बहुमत से पास किया है और कल पास ही नहीं किया है, राष्ट्रपति जी ने कानून भी बना दिया है पास कर। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के 6 दिन बाद मृतक का बेटा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच अपने पैतृक मकान पर पहुंचा, जहां माता पिता दो भाई बहन समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं शशांक मणि त्रिपाठी ने पीड़ित को 1,00,000 रुपए नकद सहायता धनराशि दी और पार्टी की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। इसको नहीं सकता, आप लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए, इसको इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ,
इस हालत में बहुत दुखी तू। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है, और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनके भी उनके पास भी ये बात पहुँचना चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या कार्रवाई? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं, और उनकी मकान भी ढहवाया जाए। ऐसी विभत्स घटना इस जिले में कभी न हुई है न होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस परिवार का पूरा समाज समर्थन करे। हम लोग जुट के खड़े हुए हैं, मैंने भी 1 लाख की राशि को उनका अनुदान दिया है। मैं चाहता हूं कि इनके परिवार को कभी नौकरी की जरूरत होगी सरकार भी देगी, हम लोग भी करवाएंगे। जो बात इन्होंने रखी, जो मुजरिम हैं उनको हम गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, यहाँ पर न्याय मिले। और देवरिया की जनपद में हम लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो भी ऐसा अराजक तत्व है वह सरकार से तो छूटेगा नहीं, समाज से भी नहीं छूटेगा, समाज भी खड़ा हो जाएगा। आइए मिलजुल के इन अपराधियों का हम लोग खिलाफत करें। कुछ कह नहीं सकता आप लोगों से। खबर अमेठी से है, जहां क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने में थाना प्रभारी नाकाम दिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ना ही घटना होने पर पीड़ित की सुनवाई करते हैं, और थाना प्रभारी की मनमानी के चलते अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले नरैनी के ढेवा गांव में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट पर कई बार शिकायत के बाद भी अमेठी थाना प्रभारी ने घायल युवक की सुनवाई नहीं। वहीं सुनवाई न होने पर अचेत अवस्था में पड़े युवक को परिजन लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पहुंचे, जहां परिजनों ने संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी से शिकायत की, जहां समाधान प्रभारी SDM ने शिकायत की, जिन्होंने मामले की को गंभीरता से समझते हुए मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। हमारे भाई के 2 बेटे थे और दोनों बेटे आपस में लड़े, उसके बाद में उसकी माँ, उसका छोटा भाई और उसका बहनोई मिलकर के उसको भरे सिलेंडर से मारा और लोहे की रॉड से मारा, और वो लड़का बेहोश हो गया। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग मार करके गहना लेकर के घर से फरार हो गए थे, और फरार होने के बाद में जब हम उस बच्चे के इलाज के लिए और 112 नंबर पर फ़ोन किया, 108 नंबर पर फ़ोन किया, तो उसको अमेठी लेकर के आए करीब 11:30 बजे रात में। उन्होंने रेफर कर दिया जिला अस्पताल असैदापुर के लिए। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे थे कि हम इस बच्चे का इलाज नहीं कर पाएंगे जब तक साथ में कोई पुलिस नहीं आएगी थाने से, तब तक हम इलाज नहीं करेंगे। बहरहाल हम लोगों ने किसी तरीके से थोड़ा बहुत इलाज करवाया, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई इलाज कन्फर्म नहीं हो पाएगा, कायदे से इलाज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग थाने में आए, थाने में आने के बाद में यहाँ से हमें कोई जो है सहयोग नहीं मिला, यहाँ से कोई सिपाही वहाँ नहीं गया, इसलिए इलाज नहीं मिल पाया। तो हम लोग तहसील दिवस अमेठी में पहुँचे, कल जो है फिर हम आए थे थाने, अब आने के बाद में फिर यहाँ से वापस अस्पताल पहुँच गए, फिर भी इलाज नहीं हो पाया, तो आज हमें तहसील आना पड़ा। नहीं, तहसील में क्या हुआ फिर? तहसील में यही हुआ कि अब वहाँ सर जो है आदेश किए हैं कि जिन लोग जो लोग मतलब मार करके के भागे हैं उनके नाम जो है मुकदमा दायर होगा। हमारे भाई के लखनऊ के थाना हजरतगंज क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा रास्ते में मिली महिला को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के प्रकरण में संबंध में पुलिस उपायुक्त मध्य महोदया द्वारा जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 7:10:23 को शाम लगभग 5 बजे पुलिस को दौराने गश्त थाना हजरतगंज क्षेत्र में एक महिला बेसुध अवस्था में मिली। पुलिस द्वारा जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और कमजोरी से इनका पेट दर्द हो रहा है और उसी से आराम पाने के लिए ये लेटी हुई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा PRV के माध्यम से इनको अस्पताल पहुंचाया। इनसे बातचीत के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ये जनपद कौशाम्बी की रहने वाली हैं, और इनसे पूछा गया कि ये किन कारणों से जनपद लखनऊ आई हुई हैं। तब इन्होंने बताया कि जनपद कौशाम्बी में इनके द्वारा कुछ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं और इनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत है, जिसकी पैरवी के संबंध में ये कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी। लखनऊ में इनकी मुलाकात एक महिला और 2 लोगों से हुई, और जो 2 व्यक्ति थे उनके द्वारा इन्हें दिलासा दिलाया गया कि ये शीघ्रता के साथ इनकी पैरवी कराएंगे और उचित जगहों पर इनकी मुलाकात भी कराएंगे।
लखनऊ एयरपोर्ट पर एक फर्जी सीआईएसएफ कर्मी पकड़ा गया। बता दें कि सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर आरोपी घूम रहा था, जिसके बाद सीआईएसएफ के कर्मियों ने सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस फर्जी सीआईएसएफ कर्मी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एयरपोर्ट पर वर्दी पहनकर फर्जीवाड़ा करने का दूसरा मामला सामने आया है।